क्या आप जानते हैं कि परियां मौजूद होती हैं? शक ना करें, ऐसा होता है। Oops. सबूत के लिए क्राफ्टून्स के इस नए चॉकलेट चुनौती को देखें। शार्लेट, तुमने मुझसे ब्रश क्यों लिया? वापस करो। लेकिन मैं भी मेकअप करना चाहती हूँ। अब मेरे बोलने का समय है। वाह, अब हमारे पास दो ब्रश हैं। मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है। वाह, यह चॉकलेट से बना हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि ब्रश सिर्फ शुरुआत है। ओह, कच्ची मछली, यह तो बहुत गंदा लग रहा है। और मेरा वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उसे चूमने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे भी वो चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे मिला है वही खाना पड़ेगा। छी, कितना घिनौना। आखिर तुम ये कैसे कर पा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें तुम्हें पुरस्कार देने की आवश्यकता है कमिला। अरे यह क्या, मैं अब जलपरी बन गई हूँ। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। हाँ, मुझे भी यह रूप बहुत पसंद आ रहा है। क्या तुम्हारी मछली वास्तव में जादुई है? शायद मेरी भी हो। ठीक है शार्लेट, मैं तुम्हें भी सरप्राइज दूंगी। उप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मछली में बदल गया है। बहुत बढ़िया पड़ी। कोला, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, मैं तो इसके सपने काफी दिनों से देख रही थी। मेरी बोतल मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ओह, मुझे समझ आ गया, यह चॉकलेट का बना हुआ है। यह असली कोला से भी बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सोडा भी बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा मेरे लिए भी डालो। ओके। हाँ, जरूर यह लो। मेरा कहना है कि हम यह कोला साथ में पीते हैं। कोला में चॉकलेट का स्वाद, वाह बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है। अब समय है तुम लोगों को खुश करने का। चलो एक छोटी सी बाढ़। कोला कहीं से लीक हो रहा है। ओह, एक छेद है। तुमने सब कुछ गिरा दिया कमिला। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कैक्टस है। आह, कांटा चुभ गया। मेरे वाले से कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह चॉकलेट का बना हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। निराश होने के लिए बहुत जल्दी है, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। यह कैक्टस मुझे वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाता है। अगर मैं वहां रहती तो निश्चित रूप से एक काउ बॉय बन जाती और शार्लेट से लड़ती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं भी कुछ कम नहीं। निशाना लग गया। आ, फिर से कांटा चुभ गया। तुम सपने कम देखा करो। जब मैं कल्पना लोक में थी, एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया। मैं एक स्ट्रॉ का उपयोग करके कैक्टस का रस पीऊंगी। काफी अच्छा है। क्या तुम्हें किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही है? यह पिज्जा है और यह अभी भी गर्म है। मैं एक टुकड़ा लूंगी। आ, दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगी शार्लेट। टबैस्को की एक दो बूंद और बस तुम मेरे साथ साझा करना चाहोगी। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और बहुत ज्यादा तीखा।
यह सब तुम्हारे लिए है कमीला, और इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जब तक तुम लोग बातों में लगी हो लड़कियों, मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा खा लूं। तुम लोगों की इन बातों से मेरी भूख जाग गई है। वैसे चॉकलेट पिज्जा भी कुछ होता है। यह अफसोस की बात है कि कमीला इसे नहीं खा पाएगी। मैं इसे नहीं लूंगी। नहीं, ले लो। जब हम आपस में बहस कर रहे थे, मेरा पिज्जा कहीं चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए। मुझे कुछ अनुमान है। परी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया है। हालांकि इसके लिए बहस करना मूर्खतापूर्ण है। उप्स। एक चॉकलेट का बना हुआ चम्मच निश्चित रूप से एक असली चम्मच से बहुत बेहतर है। कितना अच्छा होगा अगर दोनों चम्मच खाने लायक हो। नहीं, मेरा वाला बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। आह, मेरे दांत लगभग टूट ही गए थे। रोना बंद करो शार्लेट, अब मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाती हूँ। यह क्या है? मिल्कशेक। बहुत बढ़िया, हम इसे और रंगीन बनाते हैं। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो जैसा है वैसा ही छोड़ दे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट चम्मच है। अरे नहीं, वो पिघल गया है। पर यह कॉकटेल चॉकलेट वाला बन गया है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। यह तो बहुत अच्छा हो गया। पर यह मूछें तुम पर अच्छी नहीं लगती। वाह कंघी, शायद ये एक संकेत है कि हमें अपने बालों को ठीक करने की आवश्यकता है। चलो करते हैं। यह ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हारा कंघी चॉकलेट का बना हुआ है। तुम सही कह रही थी, यह चॉकलेट का बना हुआ है। तुम लोग थोड़ी उब गई हो लड़कियों, चलो अब थोड़ा मजा करते हैं। उप्स। ओह, कंघी मेरे बालों में अटक गई है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगी। शायद थोड़ा और जादू डालने की जरूरत है। कंघी निकल गई। ये सब पर ध्यान मत दो, ये सब हमारी परी की चाल है। अच्छा है, थोड़ा कुछ खा लो। साधारण जॉयस्टिक, और मैं उसके साथ क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मेरे वाले को खाया जा सकता है। इसकी महक चॉकलेट की तरह है, और इसका स्वाद भी। थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दो। नहीं, इस बार नहीं। चिंता मत करो कमीला, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है क्या करना है। कितनी बुरी बात है, शार्लेट मेरे साथ नहीं खेलना चाहती है। खैर, मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। तो बाएं चलो। यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अपने इशारे पर नचा रही हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी पूर्वक कर सकती हो? मुझे तो अब मजा आने लगा है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। चलो इस बटन को दबाती हूँ। बहुत मजेदार। और अब यह, वाह क्या झटका है। और अब यह, मैं एक योद्धा हूँ। लगता है खेल नियंत्रण से बाहर होने लगा है। रुको शार्लेट, अब इसे खत्म करने का समय है। वाह, लगता है मेरे हाथ मेरे नियंत्रण में है।
लगता है अब मैं खतरे में हूँ। एक बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी और बहुत ही मजेदार चुनौती खत्म होने वाली है, पर आप अभी और देखना चाहते हैं तो फिर इस मजेदार ब्लूपर्स को देखें। हमें पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएंगे, और अगर यह भी काफी नहीं है तो फिर आप क्राफ्टून्स के अन्य वीडियोस को देखें, बहुत सारे हैं।